नमस्कार, ओम शांति। बातें हमारी काम की में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने आदर्शों की बहुत सारी बातें सुनी है और उसको अमल भी करते हैं। आदर्श मना हमसे बड़ा, यानी कि हमें क्या सिखाता है, किस राह पर लेके जाता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में लेके चले। बातें हमारी काम की में आज फिर हमारे एक आदर्श पधारे हुए हैं, जिनका नाम है शांता दीदी जी और वो पटियाला के रहवासी हैं। बचपन उनका 1964 से ही उनका जन्म हुआ है, बाल्यकाल से ही वो ज्ञान में हैं और अभी हाल में देखा जाए तो पटियाला में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 30-35 वर्षों से 5 सेवा केंद्र हैं, 2 उपसेवा केंद्र हैं और 35 गीता पाठशालाएं हैं। देखा जाए 2000 से अधिक जिज्ञासुओं को वो प्यार पालनाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है उनके अंदर परखने की शक्ति और सहनशीलता भी बहुत बेखूफी से देखी जाती है। उन्होंने मिठू दादी और कमला दीदी के माध्यम में प्यार पालना ली हुई है, वही प्यार पालनाएं आज वो हमें भी देते आ रहे हैं, जिससे हमारे जिज्ञासु का कहना ये है कि दीदी हमें बहुत प्यार पालना देते हैं और ज्ञान हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। आइए स्वागत करते हैं शांता दीदी का और जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के बारे में। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे दीदी जी हमने कहा कि आपके पास 5 सेवा केंद्र हैं और 2 उपसेवा केंद्र हैं और 30-35 आपके पास गीता पाठशालाएं हैं, वो सब आप संभालते हैं। लेकिन जब आप इस ज्ञान में आए उस समय आपके पास देखा जाए तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक ज्ञान समझने की आपके अंदर जिज्ञासा थी। अभी आपके माध्यम में ये सब है तो उस समय में और इस समय में क्या अंतर नजर आता है कि मैंने ये सब संभाल लिया या मैंने ये सब ज्ञान अपने माध्यम में ले लिया, क्या नजर आता है आपको? उस समय और इस समय में बहुत ही अंतर है जी। वो तो उस समय ऐसा था कि सुनना है, कुछ समझना है जी, कुछ देखना है जी, क्या है जी। अभी जो है कि वैसा अनुभव दूसरों को कराना है जी, ये मेरे जीवन का यही लक्ष्य रहता है जी, कि जितना भी हो सके मैं दूसरों को ये सेवा दूं और उनको बाबा का ज्ञान देकर आगे से आगे। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपके माध्यम में कितनी बहने, कितनी टीचर्स बहने हैं? ऐसे मेरे पास अभी 40 बहने हैं जी, जो अलग अलग आश्रमों पर रहती हैं जी। तो जैसे कि समाणा है, पातड़ा है, सनाम है जी। तो यहाँ पर पटियाला में भी तो 5 उपसेवा केंद्र हैं जी जी जी, सेवा केंद्र भी, तो वो भी है ना बाबा की देखभाल में चलते। मैं तो सेवाधारी हूँ, मेरे को कभी ये अहंकार नहीं आता कि मैंने खोला है, नहीं, बाबा ने जो मेरे से सेवा लेनी है जी, बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूँ। बहुत अच्छी। जब भी कोई कार्य करना होता है मैं सबसे पहले बाबा को आगे रखती हूँ, बाबा चलो ये कार्य करना है जी, बाबा मेरे से करा। तो दीदी आपकी एक पर्सनल बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं देखने में आते हैं, मतलब यूथ जो है वो सब ये कहते हैं कि ये ज्ञान क्या है, हमें समझ में नहीं आता, हम क्यों इस ज्ञान में जाएं। लेकिन आप बचपन से ही बाल्यकाल से इस ज्ञान में आए और आपने इस ज्ञान का रास्ता चुना, तो क्या आपके मन में एक बार भी ऐसा प्रश्न नहीं आया मैं जाऊं या नहीं जाऊं या ऐसा क्यों, मतलब कुछ? नहीं, मेरे को कभी ना ऐसा ख्याल नहीं आया, क्योंकि मेरे को बहनों का जो प्यार मिला जी, और जो मैं बहनों को देखती थी मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही मैं बहनों जैसा जीवन बनाना है, ऐसे मेरा लक्ष्य था। अच्छा। जैसे ही मैंने मैट्रिक पास की तो उस समय मम्मी डैडी ने पूछा जी, कि आप है ना क्या करना चाहते हो जी, शादी करनी है या ऐसा जीवन बताना है बहनों जैसा जी। तो मैंने कहा मैं अभी है ना आपको एक बार वहां जाके बताऊंगी कि क्या क्या करना है जी। तो हम दो बहनें हैं लौकिक में, तो हम दोनों बहनें ही पटियाला में आई थी। मम्मी कहते थे भले ले जाओ दादी, ये आपकी है, हमारी तो है नहीं, हम तो है ना इनकी सेवा कर रहे, जब आप चावल ले जाए जी, जी, जी। तो फिर हमें ना दादी जी के पास आए,
तो दादी जी ने माँ से भी बढ़कर है ना सेवा पालना दी, जो माँ भी नहीं करती वो दादी जी ने हमारी की। तो जब हम है ना 15 दिन के लिए आए थे, तो उस समय मैं तो यहाँ पर रही, जो मेरी छोटी बहन थी उसने कहा कि मैंने तो जाना है, उसको भेज दिया। तो 15 दिन के बाद दादी जी ने पूछा, तेरे 15 दिन पूरे हो गए हैं, बता क्या करना है। मैंने कहा दादी अभी मैंने जहाँ रहना है। बड़े लाड से प्यार से कहा दादी ने मेरे को ना, उस समय गोदी में ले लिया अपने, मैं बहुत छोटी थी और ना वो भी थी, तो दादी ने गोदी में लिया। बस उनकी जो मेरे को पालना मिली वो मेरे को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो पालना मेरे को आगे से आगे बढ़ाती गई। अच्छा, तो जितना मैं ना एक कदम रखती थी, बाबा 10 कदम मेरे लिए ना तैयार खड़े हुए होते थे। कहीं गांव में जाना हो, कहीं भी जाना हो, मैंने 5-5 किलोमीटर पैदल जाके भी गांव में न जाकर सेवा की है। मेरे को कभी थकावट नहीं होती थी जी। मैं हर सेवा ना बहुत खुशी से करती थी, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, जो भी सेवा होती थी मैं हमेशा दादी जी को कह, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूँगी। बहुत अच्छा। मैं करती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो आज तक वो मेरे 15 दिन ना पूरे नहीं हुए और है ना अभी तो है ना मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी, मैं तो जा नहीं सकती। बहुत अच्छी सोच आपने अपने मन में रखी हुई है और उसी सोच को अभी तक आप कायम कर रहे हैं, आगे भी आप इसको, आपकी ये इच्छा है कि मैं इसको कायम रखूं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने मिठू दादी की पालना ली है, तो आपको उनके अंदर एक क्या ऐसी खास बात नजर आई जो आपने अंदर भी उसको ग्रहण किया और दूसरों को भी अभी वही कह रहे हैं? मैंने प्यार की बहुत है ना बड़ी है ना, वो सबको बड़े प्यार से चलाते थे। अच्छा, तो और है ना हर एक को इतना सिंधी परिवार बहन थे जी, जी। तो उनके माता जी भी यहाँ रहते थे, तो वो बहुत प्यार से उन्होंने जितना मेरे को पालना दी है प्यार की, मैं उसका एवजा तो चुका नहीं सकती, इस जन्म में तो नहीं चुका सकती। जी, जी, जी। तो है ना बस मेरा लक्ष्य यही होता था, जो दादी जी ने मेरे को पालना दी है उनका मैंने दादी जी को प्रूफ देना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे घर का एक बड़ा सदस्य चला जाता है, एग्जांपल शरीर छोड़ देता है, तो आपको मन में कभी ऐसा आया कि अब मैं कैसे चलूंगी? हाँ, या अब कैसे संभालूंगी, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न? जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था उस समय मेरे को धक्का बहुत लगा था जी, फिर मेरे को संभाल लिया कमला बहन ने, कमला दीदी जी ने। अच्छा। उन्होंने भी मेरे को ना बहुत अच्छी पालना दी, हर प्रकार से उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया कि है ना तेरे को शांता आगे जाना, तेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना जी, जी। ऐसे वो है ना मेरे को है ना हर प्रकार से सिखलाते थे। उनमें भी बहुत अच्छी कलाएं थी, वो पंजाब में एक है ना जैसे ना कहीं भाषण करना होता था ना अपने अमीर चंद भ्राता जी, वो है ना उनको कहते थे कमला तेरे को जाना है। अच्छा, फिर मैं उनको देखती थी ना, मैं कहती थी मैं भी एक दिन ऐसा है ना भाषण करूंगी। ऐसे उनको देखते देखते आगे बढ़ती गई। फिर उनके ना 2 बार एक्सीडेंट हुए। अच्छा, ये एक जयपुर में हुआ तो एक है ना बरनाला में हुआ। अच्छा, था अच्छा। उसके बाद उनके ना उनको कैंसर की तकलीफ हो गई। फिर मैं और कैलाश बहन ने हमने खूब है ना उनकी सेवा भी की। अच्छा। उनसे आशीर्वाद भी लिया। लास्ट समय में भी हम ही दीदी जी के साथ थे, कैलाश बहन और मैं। तो उसके बाद फिर बड़ों ने ये सेवा की जिम्मेवारी मेरे को है ना दे दी। मैंने तो है ना अचल बहन जी को, बहन जी को ये कहा था कि बहन जी मैं कहाँ संभालूंगी। दीदी ने कहा तू बैठ जा चुप करके, बाबा बैठा है ना तेरे लिए, मगर वो तो बैठा हुआ है। फिर बस उनके जो बोल थे तो उन्होंने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद दीदी जी की एक इच्छा थी
कि हम जब बीमार थे यहाँ पर आना जाना बहुत रहता था जी। तो दीदी कहते थे हम कहीं एकांत में जाकर रहते हैं। अभी हमने वो अर्बन स्टेट में ना आश्रम खोला हुआ है, वहाँ उनकी इच्छा थी। जब अच्छा। उन्होंने शरीर छोड़ा वो तो हम कर नहीं सके, बस संकल्प था कि है ना दीदी जी का जो संकल्प है वो हमने पूरा कर लिया है। तो पहले हमने वहाँ पर किराए पर है ना एक मकान लिया, वहाँ रहे। फिर उसके बाद किसी ने तो वो अपना 250 गज का प्लॉट था उन्होंने दे दिया, तो वहाँ पर अभी आश्रम चल रहा है। बहुत अच्छा दीदी, हाँ जी बहुत अच्छा। दो चीजें आपके अंदर देखने में आती हैं, जैसे आपके माध्यम में बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे जिज्ञासु हैं, हमने उनसे बात की कि दीदी के अंदर खास बात क्या है, तो उन्होंने दो चीजें हमें बताई कि परखने की शक्ति और एक सहनशीलता, जो आजकल दोनों ही चीजें लोगों में नजर नहीं आती है। जैसे मैं अपनी बात कर लूं, मुझे कैसे लोगों को परखना है भाई, थोड़ी देर के लिए तो वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, प्रेम पूर्वक बात कर रहा है, लेकिन वो मेरे पीछे क्या कर रहा है, तो उसको मैं कैसे परखूं? क्या ऐसी चीज आपको नजर आती है कि उसको परखना है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा? ऐसे है जैसे कोई, वैसे तो यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं जी, कोई उक्का दुक्का आ भी जाता है जी, उनको मैं ना परख लेती हूँ। मैं बहनों को कह देती हूँ ये चलने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं बहनों को पहले ही कह, ये ना ये आत्मा है ना बाबा का ज्ञान सुनने वाली नहीं है। अच्छा। आप इसको सुनाओ, क्या पता किसका कल्याण हो जाए। ऐसे एक दो चांस हुए तो वो अपने आप पे ना बता देते, जब हम उनको कोर्स कराते हैं तो वो अपने आप बताते कि बहन जी हमारा लक्ष्य ये था। अच्छा। तो हम इस कारण आए थे, आज है ना हमने ना ऐसे ऐसा जीवन बना लिया। बहुत अच्छा। हमारे पास एक बहन आती है जो अभी है ना आपको अनुभव भी सुना के गई होगी, पूजा बहन जी। तो है ना वो जब हमारे पास आती थी तब वो सर्विस करती थी। अच्छा। तो उसका पति है ना शराबी था। अच्छा। तो कुछ समय के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। तब वो हमारे पास नई नई आई थी, फिर उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, तब मैंने उनको बुलाया। मैं तो उनको मैंने बाबा ने जो भी मेरे से कहलाया मैंने उनको कहा, तो आज तक वो है ना चल रही है। बहुत अच्छा। तो उसने अपना अनुभव भी सुनाया होगा। जी जी, जी। दूसरी है सहनशीलता। मेरे को किसी सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कह दिया, मैं उसको नहीं सहन कर पाई, तुरंत पलट के जवाब दे दिया या मुझे गुस्सा आ गया, वो कैसे आप सहन करते हैं? मैं ना जवाब नहीं देती हूँ किसी को, मेरे को जवाब देना आता भी नहीं है जी। मैं एक बात करती हूँ, वहां से ना मैं ना उठकर ना अपने कमरे में चली अच्छा, जाती जी। मैं शांत एकांत वहां जाकर है ना बैठ जाती हूँ। मैं अच्छा। बाबा को कह देती हूँ, बाबा ये बच्ची आपकी है, इसका कल्याण आपने करना है, तो मेरे से जो हो सका मैंने किया, अब है ना आप देखो आपका काम, आप जानो आपका काम जाने। मतलब सहज तरीके से उसको सहन करके एकदम। हाँ जी, मैं ना किनारा कर, उनको जवाब नहीं देती, आमने सामने मेरे को जवाब नहीं देना जी। बहुत अच्छी तरीके से हमें दो चीजें बताई कि एक परखने की शक्ति कैसे हमारे अंदर आनी चाहिए, दूसरा सहनशीलता। ये आप सभी अच्छे से सुन रहे होंगे और इसको अमल भी कर रहे होंगे। तो दीदी, जैसे राजयोग मेडिटेशन है, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आजकल के लोग इसको सुनना पसंद नहीं करते, और अगर पसंद भी कर लेते तो बहुत सारी चीजें ऐसे देखने में आती हैं। आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर कि मैं क्या करूं, क्वेश्चन यही है मैं क्या करूं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे जो जो इस ज्ञान को नहीं सुनते हैं, जो इस ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, उनके लिए मैं ना उनको ना एक बार है ना मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक बहन आई जी, उसने कम से कम 10-15 तोले सोना डाला हुआ था। अच्छा। तो वो मेरे पास है, कहती दीदी मैंने ना यहाँ है ना पेपर देना है। अच्छा। ये अपना पास में मोदी कॉलेज जी। मैं कि अच्छा, फिर आप कहाँ से आई हो? कहते मैं धुरी से आई हूँ।
मैं कि फिर देना अपने पेपर है, आपने इतना सोना पहना हुआ है, तो कहती बस मैं ऐसे आ गई। मैं कि नहीं राजू, आप मेरे को सच बताओ, आपके बात कुछ और है, आप पेपर देने नहीं आए हो। तो ना कहती दीदी सच बताऊं मैं कि हाँ। तो उसने मेरे को बताया कि मेरे मम्मी डैडी ने मेरी शादी जबरदस्ती की है। अच्छा। मेरी इच्छा नहीं थी करने की, और ना सरदार परिवार ने की है, तो मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। अब है ना वो मेरे को कभी कहता है मेरी टांगे दबाओ, कभी कुछ कहता है, तो है ना मैं ना ये करना नहीं चाहती। मैं कह राजू ये आप अपने माँ बाप से जाकर कहो ना, तो ऐसे निकलने से कोई फायदा नहीं है। तो है ना मैं आपको ऐसे रखा, हम तो शादीशुदा को वैसे भी नहीं रखते, नहीं रखते। तो कहते नहीं दीदी मेरे को पढ़ने दो। मैंने ना उनको है ना इधर हमारा साथ में मकान है जी, वहाँ पर है ना कमरा दे दिया। मैं कह अच्छा आप पढ़ो। तो 2-3 घंटे के बाद मैंने बहनों को भेजा, मैं कह जाके देख के आओ। वो बहन है ना कमरे में नहीं थी। अच्छा। हाँ वो है ना कहीं मार्केट गई हुई थी। उसने सोचा कि है ना इन्होंने मेरे को कमरा दे दिया है, चलो मैं है ना रात को यहाँ रहूँगी। वो अपना सूट सिलाने के लिए गई। अच्छा। तो फिर हमने ना मैंने बहनों को कहा मैं कि आप देख के आओ। वो देख के आए तो वो वहाँ पर मार्केट में घूम रही थी। उसको है ना बुला के ले आए। मैं कह राजू तू है ना कहाँ रहती है? कहती है मैं ना धुरी में रहती हूँ, मेरे पापा का नाम ये। मैं कह मेरे को मोबाइल नंबर दे दे उनका। कहते ना दीदी मैं नहीं देती जी। मैं कह नहीं राजू वो तो तेरे को देना पड़ेगा जी। वो दौड़ने लगी जी। तो है ना फिर बहनों ने उसको पकड़ लिया, फिर बुला के ले आए। जी। तो जब वो उसने मेरे को मोबाइल नंबर दिया, मैंने उनके माँ बाप को फ़ोन किया। तो फ़ोन किया कहते दीदी हमारे को है ना आज पूरी दोपहर हो गई है, ढूंढते ढूंढते वो हमारे को कहीं नहीं मिल रहे। उधर सास ससुर परेशान है, इधर हम परेशान। मैं क्या परेशान ना हो, हमने आपकी बेटी को अपने पास रखा। कहते दीदी जाने ना देना कहीं। मैं क्या कोई नहीं। तो है ना हाँ वो धुरी से आए, घंटा दो तो लगेंगे ही उनको। जी, जी। वो उनके इधर से है ना त्रिपड़ी में उनके सास ससुर रहते थे, वो भी आए, दोनों परिवार आए। फिर हमने पूछा भी बोल कह दीदी मैं ना इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा अच्छा ऐसे है ना तेरे निकलने से तेरी सुलह हो जाएगी या है ना तलाक हो जाए? नहीं दीदी मैं ना रहना नहीं चाहती। फिर मैंने उसके बाप को बुलाकर अलग बुला कर मैं कि अगला बच्चा नहीं रहना चाहता, कल को कुछ कर ले फिर क्या करोगे आप? अब इससे अच्छा ही इसको अपने वहाँ ले जा। हमने रात के 12 बजे तक उनको बिठाया, दोनों परिवार को उसको समझाया उनको समझाया, वो है ना लड़की नहीं मानी। फिर मैंने लास्ट में उनके सामने कह दिया कि आप इनको अपने घर ले जाओ, फिर समझाओ देखो क्या होता है, जैसे बीवी करेगी। तो ऐसी ऐसी कई आत्माएं आती हैं, कोई है ना ऐसे भी आ जाते हैं दीदी हम तो है ना बाखड़ा में छलांग लगाने जा रहे हैं। जी तो है ना उनको समझा करके बहुत घर ऐसे बचाए। मतलब एक समझाने का हाँ भी जी हाँ जी वही उनको प्यार से। पहले तो मैं उनको पानी पिलाती हूँ भी आप पानी पियो, सबसे है ना जो शीतल है ना जल है, जल है तो जल को पिएंगे तो जरूर अंदर ना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अच्छा। हो सकता है मैं खाना खुना भी खिला। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं आप खाना खाओ, जब बाबा के घर का खाना खाएंगे तो बुद्धि तो बदलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे तो है ना 2-3 परिवार ऐसे भी बचाए हैं। जी बहुत अच्छा आपने अपना परिचय दिया, और आप इस जो ज्ञान में चले, जो हमारे 4 सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों पर अमल करके अपना जीवन सफल बनाया, और आपने ठान लिया है मन में कि अब यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी, तो ये मन में ठानना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है।
अगर ठान ले तो क्या चीज नहीं हो सकती है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने हमें समझाई बताई, साथ ही जो प्यार पालना आपने औरों को दी, आप अपने इस हमारे इस कैमरा के माध्यम से, इस स्टूडियो के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से औरों को भी आप प्यार पालना दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जी मित्रों, आज हमने देखा कि किस तरह से एक सबसे बड़ी चीज है प्यार और पालना। प्यार और पालना से ही हम लोगों के मन को जीत सकते हैं, और मन में एक बार ठान लें तो क्या चीज नहीं हो सकती है। दूसरी बात, ये परखने की शक्ति और सहनशीलता की शक्ति, ये अगर हमारे मन में है, दिल में है, एक बार जहन में पल गया तो इससे हमें कोई हरा नहीं सकता। अगली कड़ी में फिर से एक नए आदर्श के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।